देश में मोदी सरकार और राज्य में यानी उत्तर प्रदेश राज्य में योगी सरकार बड़े एक रूपरेखा में भाजपा पार्टी देश में अपनी जड़ें जमाई हुई है और चारों तरफ बातें करी जा रही हैं विकास की। आज हम आपको लेके आए हैं जनपद हापुड़ में। हमारा औचित्य यह है कि 2011 में पूर्वी सरकार के माध्यम से यानी बसपा सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में कई जिलों का निर्माण करा गया था। आज चौतरफा हर जगह जो बातें करी जा रही हैं विकास की, तो देखना ये होगा कि जो ये जनपद हापुड़ है और NCR क्षेत्र के बिल्कुल पड़ोस में आने वाला एक जनपद है, देखते हैं यहाँ पर विकास अपनी क्या एक रूपरेखा बनाए हुए है। अगर बात हापुड़ की करें तो सबसे पहले हापुड़ में लगने वाला जाम सबके पसीने छुटा देता है। हापुड़ तहसील चौराहे पर आज तक जाम से राहत लोगों को नहीं मिल पाई है। दूसरी ओर देखें तो हापुड़ सर्वगाश्रम रोड पर जल भराव एवं गंदगी का अंबार आपको देखने को मिलता है। यहां तक कि शमशान यानी चौराखी पर भी गंदगी के ढेर सालों साल से लगे हुए हैं। कॉलोनियों में भी कई स्थान ऐसे हैं जहां पर गंदगी के वो हालात देखने को मिलते हैं जिसे देख वहां रहना तो दूर, कोई उन रास्तों से निकलने की भी ना सोचे। आइए चलते हैं कुछ वरिष्ठ नागरिकों से इसी विषय पर चर्चा करें। हापुड़ में देवनंदिनी सुमित्रा मेडिकोज के डायरेक्टर संजय त्यागी जी हमारे साथ हैं। तो जैसा कि पूरी चर्चा का एक पूरा विषय आपके सामने रखा कि हापुड़ जिला तो हो गया, लेकिन जिला होने के बाद क्या लगता है कि कुछ नेक्स्ट है अभी या सब कुछ सही चल रहा है? देखिए, हापुड़ में जिला बनने के बाद बहुत संभावनाएं रहेगी। सभी वर्ग के लोग जो है काफ़ी उत्साहित थे कि जिला बनने के बाद यहाँ पर जो है तरक्की हुई, हर क्षेत्र में जो है रोजगार के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं हैं उनके क्षेत्र में जो है काफ़ी हमारा जो है कहना चाहेंगे उन्नति हो जाती है। लेकिन अफसोस है कि उसकी गति बहुत धीमी है और उसकी गति धीमी होने के पीछे मैं ये कहूँगा कि वो गहन प्रशासनिक अधिकारियों की कमी नहीं है, बल्कि प्रशासन में ही जो मूलभूत सुविधाएं अब तक मिलनी चाहिए थी, जैसे उनके ऑफिस बन जाने चाहिए थे समय से, उनके लिए आवास के प्रबंध हो जाने चाहिए थे, उसमें पूर्ववर्ती सरकारों ने थोड़ी सी ढील बरती और जिस कारण से अभी गति जो होनी चाहिए थी वो नहीं। एक प्रश्न मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि जैसे एक जिला अगर इंडस्ट्रियल हब बन पाता है तो वहाँ पर विकास के चांसेस की जो गति है वो काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन हापुड़ में अभी कहीं ना कहीं लैक लगती है। हाँ, निश्चित रूप से यहाँ अगर देखा जाए तो कोई इंडस्ट्री का कोई ढांचा ही तैयार नहीं है, कोई जगह भी चिन्हित नहीं है इस तरह की। एक बहुत छोटा सा इंडस्ट्री ले लिया जिसको हम हापुड़ का कह सकते हैं, वैसे वो है अब मुझे पता नहीं है क्या स्थिति है, मेरठ का जो है पार्ट रहा है झिरकेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, तो चाहे तो उसको लेकर उसको बढ़ाएं या कोई कहीं अन्यत्र जो है जगह उपलब्ध कराएं, तो मैं समझता हूँ कि इससे जो है तरक्की जो है बहुत तेजी से आएगी। अच्छे सुझाव भी दिए और अच्छी बात भी रखी संजय त्यागी जी ने। अब आपको लिए चलते हैं फिर और किसी वरिष्ठ नागरिक। हापुड़ से ही व्यापार जगत के एक बड़ा एक चेहरा हमारे साथ हैं, विशाल जी हमारे साथ हैं। आइए आपसे पूछते हैं विशाल जी, ने जिले तो बना दिए गए, कई जिले बनाए, उन्हीं में से एक जिला हापुड़ ही है और हापुड़ मेन हेडक्वार्टर है, लेकिन अगर विकास का आधार देखा जाए तो हापुड़ में क्या जिला बनने के बाद विकास हो रहा है, आप क्या मानते हैं? अजीत जी, मेरे हिसाब से जब हापुड़ को जिला बनाया गया तब जिला बनाने में थोड़ी जल्दी लगी, पर सबसे बीजेपी के हमारे सांसद जी श्री राजेंद्र अग्रवाल जी और हमारे विधायक राज्यपाल आरती जी आए हैं तो विकास कार्य थोड़ा स्पीड से चल रहा है और हमारे हापुड़ का गुड लक है कि हमें एक अच्छा चेयरमैन मिल गया है। जब से वो चेयरमैन मिला है तो शायद सुबह को हम घर से आते हैं। मतलब अगर बात करूं कि जो चुने हुए यहाँ पर कैंडिडेट हैं उनको आप मानते हैं? हाँ, सत्ता पर जो बैठे हुए हैं वो सही लोग हैं। हाँ, अब जो सत्ता में आए हैं तो ऐसे लोग आए हैं कि लगता है कि हापुड़ का हापुड़ की विकास ने गति पकड़ ली। ये एक पॉलिटिक्स की बात रही, चलिए वहाँ सकारात्मक प्रभाव आप अपनी ओर से दे रहे हैं, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूँ कि इंडस्ट्रियल हब हापुड़ अभी नहीं है तो विकास कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि उसकी जो गति है वो बड़ी धीमी हो जाती है। एक्चुअली क्या है, अब गति पकड़ने वाले या गति को धक्का देने वाले लोग सीट पे आए हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हापुड़ एक बहुत बड़ा जिला
सबकी नजरों में आएगा। अभी आपको लिए चलते हैं कुछ और भी वरिष्ठ लोगों के पास, उसके बाद बारी बारी से ये दौर अभी और आगे जाएगा। अभी हम है जनपद हापुड़ की मेन तहसील यानी हापुड़ नगर में, और साथ में बैठे हैं पंकज लवानिया जो कि हापुड़ नगर कोतवाली के SHO हैं। सर, अभी जो सारी आपसे विस्तार में बातें भी चल रही थी कि अब ये जनपद हो चुका है जो पहले हापुड़ शहर हुआ करता था, अब 5-6 साल और 7 साल भी बीत चुके हैं, तो क्या सुविधाएं पुलिस को यहाँ पर मुहैया कराई गई हैं, और पुलिस का जो कंट्रोल है पूरे जनपद पर और खासा आपसे पूछूंगा हापुड़ पर, उसमें क्या सुधार होता नजर आ रहा है, कुछ आप इस पर विशेष अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे? जब ये तहसील था तो मूल कम था, जनपद में रहते हैं तो यहाँ पूछ कहाँ है, हाँ कुछ समस्याएं रहती हैं जैसे जाम है तो उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, जनपद बनने के बाद मूलभूत सुविधाएँ बढ़ जाती हैं और क्राइम पर भी कम करती है। खासा जो जाम की बात अभी आई, जाम पर इसमें हमारी डॉक्यूमेंट्री में विशेष एक पहलू भी दिखाया जा रहा है कि जो चौराया है और जो तराया है, तहसील चौराया और मेरठ रोड वाला तराया, उसमें इतना कम डिस्टेंस है कि उसमें कभी सीक्वेंस बन नहीं सकता, तो उस पर क्या विशेष कुछ ऐसा पहलू आप लोगों की ओर से भी कोई कंसर्न दिया जा रहा है क्या? अभी हम लोगों की बातें भी हुई थी, रिक्शा अधिकारियों की बातें हो रही हैं, नगर पालिका और सभी प्रशासनिक अधिकारी और हमारे रिक्शा अधिकारी बैठ के बात कर रहे हैं। प्रयास भी किया जा रहा है कि जाम के जो पास पास चौराहे हैं उनको व्यवस्थित किया जाए और लाइट्स की व्यवस्था की जाए और जेब्रा क्रॉसिंग्स की व्यवस्था की जाए जिससे व्यवस्थित किया जाए। अगर जिले में बात विकास की करी जाएगी और जिले में आने वाली जो मेन तहसील है जो कि हेडक्वार्टर के रूप में देखी जा रही है हापुड़ जिले से, जो यहाँ के नगर के अध्यक्ष है प्रफुल्ल सारस्वत, आपसे बात करना चाहेंगे सर कि पूरे डॉक्यूमेंट्री का एक माध्यम है वो विकास है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार, आप भी भाजपा से ही अपना पूरा वर्चस्व करते हुए हैं, तो हापुड़ का विकास कैसे होने वाला है या अभी तक हापुड़ विकास के मामले में किस स्तर पर खड़ा हुआ है? विकास बहुत संघर्षी रूप से होने वाला है, बिना पक्षपात के होने वाला है। हापुड़ का विकास व्यक्तिगत स्तर पर नहीं देखा जाने वाला है, हापुड़ का विकास सार्वजनिक स्तर पर होने वाला है, और इसकी एक झलक हम लोगों ने इसमें देख भी ली है, चमक ली है, उसके बाद आप हमने समय रात में नहीं सुनते होते लोगों का ये कहना है कि जितने सफाई के अधिकारी अभी तक नगर पालिका के माध्यम से दर्शाए गए हैं इस कम से कम आपके नगर पालिका क्षेत्र में, तो उतने कर्मचारी अभी तक डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा है नगर पालिका के अंदर जितने कर्मचारी हैं जितने धरातल पर काम कर रहे हैं ये सब नगर पालिका स्तर पर परिवार भी काम किया हुआ है, ऐसा नहीं है सफाई नहीं हो पा रही है। ये बात मैं जरूर अवश्य मानूंगा कि नगर पालिका के औसत के हिसाब से सफाई कर्मचारी कम है, सफाई कर्मचारी कम है, उसमें हम आउटसोर्सिंग से यानी ठेके से भी काम करते हैं क्योंकि नई भर्तियां बहुत समय से हुई नहीं है और हम ठेके से जितनी आपूर्ति कर सकते हैं उतनी कर पा रहे हैं, लेकिन हम व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए व्यवस्था समझी व्यवस्था करने के लिए हम आपस में उन्हें 41 वार्ड उनमें बांटे हुए हैं और बराबर हर वार्ड को उसके हिसाब से कर्मचारी दिए जा रहे हैं। ये थे प्रफुल्ल सारस्वत, दावेदारी पूरी तरह से रखी गई है कि विकास हो रहा है और विकास आगे भी बहुत ही एक अच्छे तरीके से होने वाला है। अभी हम हैं हापुड़ के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर पराग शर्मा जी के साथ। तो जैसा कि आपसे अभी पूरा अभी विचार विमर्श चल रहा था कि हापुड़ जिला बन चुका है तो विकास का दौर कितना दिखता है? देखिए, कुछ महीनों में तो डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए डिस्ट्रिक्ट बने, कुछ महीनों में हापुड़ बेहतर हुआ है, लाइक पुलिस प्रशासन मॉनिटरिंग एडमिनिस्ट्रेशन बेटर है, आप देखेंगे विजिलेंस भी बहुत अच्छी है, पुलिस सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन पर फोकस नहीं है, तो होना जरूरी है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट है और खासकर NCR में आ रहा है, दिल्ली नोएडा गाजियाबाद के करीब है, तो उन एरियाज पर भी फोकस नहीं है, लाइक डेवलपमेंटल इशूज, हापुड़ में डेवलपमेंट पुअर है, बधाई शुड से बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं है जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं, फ्लैट कॉलोनीज हुई जिन पर किसी का ध्यान नहीं है, साथ में ट्रैफिक इशूज है, ट्रैफिक के बारे में मतलब अभी भी कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिला है जिसके बारे में कुछ फोकस करने की जरूरत है। डेवलपमेंट अथॉरिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनका मिलजुल के जो है काफी ज्यादा रोल रहेगा, अगर ये इस पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली अगर डेवलपमेंट होगा हापुड़ में तो लोग अट्रैक्ट होंगे और माइग्रेट करेंगे और अच्छी लिविंग होगी। तीसरा इशू है इंडस्ट्रियलाइजेशन,
इंडस्ट्रियलाइजेशन को शायद मोशन इतना नहीं है जितना होना चाहिए। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का जो हापुड़ हिट का चैप्टर है उसके प्रेसिडेंट उसके अध्यक्ष धीरज चुग जी हमारे साथ है, हापुड़ से बिलोंग करते हैं। सर, जो अभी सारा हमारा विचार विमर्श चल रहा था छूट से पहले, हापुड़ जिला तो बन गया और काफी साल भी जीते, अभी क्या इस तरह मानते हैं कि यहाँ पर जो आधार है राष्ट्रीय का विकास का कितना है, उसका क्या कहना है? हापुड़ में 6 साल तकरीबन हो गए जिला बने हुए, लेकिन कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है यहाँ। हॉस्पिटल के नाम पर कुछ जीरो, बिल्कुल जीरो। कोई भी स्कूल की एक्टिविटी अच्छी नहीं है, सभी लोग बच्चों को बाहर भेजते पढ़ने के लिए। जाम की स्थिति बहुत भयानक है यहाँ, कुछ भी जाम में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बच्चे स्कूल के डेढ़ डेढ़ घंटे में आते हैं। और बाकी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है, सब वीकेंड में कुछ नहीं कर सकते यहाँ, तो हमें गाजा बाजा दिल्ली जाना पड़ता है नोएडा, मतलब वीकेंड को एंटरटेन करने के लिए। ये बात तो मान रहे आपको बिल्कुल करनी पड़ेगी कि अगर जो एक वरिष्ठ तबका है समाज का, जो एक अपर क्लास तबका है, अगर उसको ये सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, मुहैया नहीं हो पा रही है, तो आम जनमानस का तो बुरा हाल होगा। बिल्कुल, उनके बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, वो जाम से कैसे निपटारा करेंगे, क्या कहना है इसका? हाँ बिल्कुल, उनके लिए परेशानी तो है, तो हम लोग इतने परेशान है तो वो तो होंगे। तो कहीं ना कहीं जिला आपको बना, लेकिन बातों से लगता है कि अभी हाल बेहाल है, शासन प्रशासन को इस ओर निगाह जरूर अपनी डालनी चाहिए। कोई शक नहीं कि जनपद हापुड़ बनने के बाद कार्य तो कई हुए, लेकिन खामियां अभी भी बहुत बाकी हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमारा मकसद शासन प्रशासन को इन खामियों को दिखाते हुए उनको जागरूक करने के उद्देश्य से ये सारी डॉक्यूमेंट्री आपके समक्ष हम लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी खामियां और जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी बातें जो आपके समक्ष इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से रखी गई हैं, उस पर आला अधिकारी अपना ध्यान जरूर केंद्रित करेंगे। मैं अजीत कुमार शर्मा, कैमरामैन उमेश शर्मा के साथ नेशनल न्यूज स्टोरी, जनपद हापुड़।